डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। जी हाँ बच्चों, ये क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 4.3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है, ये पिक्चर जो दिया हुआ है, इसमें जो एंगल्स आए हुए हैं उसके नाम बतलाना है। तो यहाँ पे कितने एंगल्स आए हुए हैं, यहाँ पे जो ये कॉर्नर बना हुआ होता है वही एंगल होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, चार एंगल्स जिसमें होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल्स बोला जाता है। तो इसको इसके नाम को लिखकर दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, सिंपली हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखाया जाता है एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, एंगल डी। इस तरह से लिख के हम दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पूरा इसका डिटेल पता नहीं चलता है, ये कहाँ कहाँ से लिया गया है इस तरह से पता नहीं चलेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं जिससे कि सारा कुछ पता चल जाए। जैसे कि हम एंगल ए को दिखाना है तो यहाँ से लेंगे डी ए बी, इस तरह से लेना है, या फिर इधर से ले सकते हैं बी ए डी। हर स्थिति में ए को दिखाना है तो ए बीच में रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। तो इसका आंसर जो है ये होगा, ये इसमें पूरा डिटेल पता नहीं चलता है इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, एंगल डी ए बी, ये हो गया एंगल डी ए बी। यहाँ पे इसको दिखाया गया डी ए बी, ए दिखा दिए, अब बी दिखाना है। तो बी को दिखाने के लिए एंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी को दिखाएं यहाँ से, उसके बाद एंगल सी को दिखाने के लिए सी, तो यहाँ से बी से लेते हैं एंगल बी सी डी, ये हो गया एंगल सी को दिखा दिए ए बी सी। उसके बाद एक और एंगल यहाँ पे एंगल डी को दिखाना है, सी डी ए, सी डी ए, ये हो गया, ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम छपा हुआ है, अब इसमें दिखाने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट दिखाना है। तो कौन सा पॉइंट दिखाना है, ए नंबर में, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो एंगल डी, यहाँ से डी ओ ई, इस एंगल में इंटीरियर, ये एंगल है और इसके इंटीरियर, इंटीरियर मतलब इनसाइड। इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया हुआ था मैंने, तो जिसमें कि इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब हो गया इनसाइड, किसी भी एंगल या कोई भी फिगर दिया हुआ है उसके इनसाइड हो गया, और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब हो गया आउटसाइड, और ऑन द बाउंड्री हो गया तो मतलब उस पर हो गया। तो इस तरह से उसमें डिटेल करके मैंने बताया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे इंटीरियर बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे इन द इंटीरियर, इसमें डी ओ ई, तो इंटीरियर मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन आ रहा है, ए पॉइंट आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पॉइंट ए। तो पॉइंट को लिखने के लिए सिर्फ हम लोग ए बी सी डी लिखकर ही दिखाते हैं, तो ये बता रहा है, तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ कहाँ से ले रहा है, ई ओ एफ इसमें से ले रहा है, तो इसमें एक्सटीरियर बोल रहा है मतलब इसके बाहर, इसके अंदर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, इसके बाहर जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं उनको ले लेना है। तो ऑन द इस पे वाला, बाउंड्री वाला नहीं लेना, इसके बाहर में कौन है, सी है, इसके बाहर कौन है, डी है, ई है, ये सारे पॉइंट जो है ये भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, सबसे पहले सी हो जाएगा, सी, सी पॉइंट हो गया, उसके बाद हो गया ए एक्सटीरियर में, और डी हो गया, ये डी पॉइंट। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। और सी में बतला रहा है ऑन, मतलब उसके बाउंड्री पर, तो एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ इसमें भी वही है, तो बाउंड्री पर जो है ई ओ एफ, जो नाम दिया हुआ है वो सारे इसके आंसर आएंगे, इसके अलावा क्या है, ई ओ एफ, ये तीन तो आ गया, लेकिन इसमें बीच में एक पॉइंट और है, बी है, ये भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ ओ बी ई। इसका आंसर लिखने के समय आप किसी भी लेटर को किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ किसी को बी को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये चारों लेटर होना चाहिए, इधर उधर लिखने से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरह से मन में कोई डाउट नहीं रखना है कि कहाँ लिखना है इसको, किस ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, रफ डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है एंगल्स का, दो एंगल्स का रफ डायग्राम बनाना है जिसमें कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ ए नंबर में वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे टू पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब उसमें जो एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें दो पॉइंट्स यहाँ कॉमन होना चाहिए,
और सी में 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, डी में 4 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए और ई में 1 रे इन कॉमन, मतलब एक रे जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको बनाया नहीं जा सकता क्योंकि थोड़ा सा जगह यहाँ कम है। पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा रफ डायग्राम बनाना है दो एंगल का जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो। तो एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट हो गया ओ, ओ पॉइंट। अब यहाँ से एक रे ले लिए और फिर एक और ले लेते हैं। जब दो रे किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वहाँ पे एंगल बनता है। तो ये दो रे है जो कि एक पॉइंट ओ पे मिले तो फिर ये एक एंगल बना। तो यहाँ पे दो एंगल हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे दो एंगल ये आप स्केल से इसको बना लेंगे ताकि लाइन सीधा हो। और यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी और ये सी दे दिए। अब इसमें क्या कॉमन, कितना पॉइंट मिल रहा है, ये दो एंगल हम लोग बना लिए तो इसका नाम लिख लेते हैं, उससे हम लोग को पता चलेगा। एंगल ए ए ओ बी ये हो गया, और एंगल इधर से लेते हैं ताकि मैच करने में आसान होगा। इधर सी, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी ओ बी, सी ओ बी, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितने पॉइंट्स जो है मैच कर रहे हैं, मतलब कॉमन हो रहे हैं। यहाँ पे ओ कॉमन है और बी कॉमन है, यहाँ पे दो पॉइंट जो है कॉमन हो रहा है। और हमको क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए 1 पॉइंट इन कॉमन, एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीट आंसर ये नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक और रे ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिए और इसका नाम दे देते हैं डी, डी हो गया। अब यहाँ पे इसमें तो दो पॉइंट्स कॉमन हो रहा है, अब यहाँ पे इस एंगल को लेते हैं एक बार और फिर एक बार इस एंगल को लेते हैं। ये एंगल जो है इन दोनों में गैप बनाता है, सिर्फ 1 पॉइंट को कॉमन रहने देता है ये बीच वाला एंगल, इसकी वजह से इसमें इतना एंगल लेना पड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, इसमें कितने पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे ओ ओ, सिर्फ ये ओ पॉइंट जो है वो कॉमन है इन दोनों एंगल में। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये चीज़, तो ये आंसर नहीं होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा। तो इसमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको काट देते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन एंगल इसमें और इसमें, इन दोनों एंगल में सिर्फ ओ कॉमन पॉइंट है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी हैव ओनली 1 कॉमन पॉइंट ओ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बी नंबर में कह रहा है कि ऐसा ही एंगल बनाना है जो कि 2 पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब 2 पॉइंट जो है उसमें कॉमन होना चाहिए। तो पहले जो एंगल मैंने बनाया था ये डी वाला एंगल छोड़ के, तो इस एंगल में 2 पॉइंट हम लोगों को कॉमन मिल रहा था, ओ बी ओ ओ बी, ओ और बी दोनों पॉइंट्स कॉमन मिल रहा था। इसका मतलब है कि पहले जो बनाए थे वो बी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर हम लोग यहाँ ले लेते हैं और इसमें एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिए और यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सबको नाम दे देते हैं ए बी और सी, यहाँ पे ओ हो गया। अब एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, इधर से भी ले सकते हैं सी ओ बी, इधर से लेने का कारण है कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को पता चल रहा है कि ओ बी ये दोनों पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि 2 पॉइंट यहाँ पे कॉमन है ओ बी, तो हम इसको यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी हैव 2 कॉमन पॉइंट्स ओ एंड बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया, बी तक कंप्लीट हो गया। सी नंबर, सी नंबर में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यहाँ पे अब 3 पॉइंट कॉमन कह रहा है। तो इसी तरह का एंगल बनाते हैं, उसमें एक पॉइंट और लगा देंगे बन जाएगा, एक एक करके पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो सी नंबर लेते हैं यहाँ पे, सी नंबर, अब सारे जो एंगल्स बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे जैसे कि बी नंबर बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ओ पॉइंट है ये, और यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ और एक यहाँ, इसको नाम दे देते हैं ए बी
सी। तो यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो एंगल्स वही रहेंगे जो एंगल्स लिए गए थे, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी और एंगल सी ओ बी। इसमें दो पॉइंट हमको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स अगर बढ़ाने के लिए कहता है, जैसे टू पॉइंट्स कॉमन हो गया, उसके बाद थ्री पॉइंट बोलता है, तो कुछ करना नहीं है, ये कॉमन लाइन जो है, कॉमन रे, उस पर एक पॉइंट अपने से बढ़ा देना है। तो बी सी हो गया, डी पॉइंट बढ़ा देते हैं यहाँ, ये डी पॉइंट हो गया, बस ये इसमें तीन पॉइंट हो गया, ओ डी और बी, ये तीन पॉइंट बढ़ गए। तो इसमें भी उसी तरह से लिख देना है, यहाँ पे हम लोग जैसे लिख सकते हैं, इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी हैव थ्री कॉमन पॉइंट्स ओ डी एंड बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। अब डी नंबर में ले लेते हैं यहाँ पे, तो डी नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी नंबर में क्वेश्चन कह रहा है फोर पॉइंट्स इन कॉमन। अब यहाँ पे फिर एक पॉइंट बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो फिर वही चीज़ रहेगा, सेम चीज़ रहेगा डी में। यहाँ पे लेते हैं डी नंबर और यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ओ पॉइंट देते हैं, ओ पॉइंट, और यहाँ से रे लगाते हैं यहाँ, ये यहाँ पे हो गया ए बी और यहाँ पे सी, ये पॉइंट लगा दिए। तो यहाँ पे भी एंगल वही सब आएगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, सी ओ बी। तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में तीन पॉइंट मांगा था, तो यहाँ पे डी पॉइंट बढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे डी पॉइंट ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ाना है, मतलब ई पॉइंट भी यहाँ पे दे देना है, इसी कॉमन रे पे दे देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसी तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी हैव फोर कॉमन पॉइंट्स ओ ई डी एंड बी, ओ ई डी बी, ये चार पॉइंट्स जो है वो कॉमन है। तो ये डी कंप्लीट हो गया, उसके बाद ई नंबर जो है लास्ट है, ये ई नंबर में दिया हुआ है वन रे इन कॉमन, एक रे जो है उसको कॉमन दिखाना है दो एंगल्स में। तो इसी तरह का ये भी बन जाएगा, सिर्फ इसमें इतने पॉइंट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई लेते हैं, और इसमें एक ओ पॉइंट देते हैं, ओ, यहाँ से एक रे, दूसरा और फिर एक यहाँ, ये हो गया, नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, ये हो गया। तो इसमें ये एंगल हो गया एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, इसमें कॉमन रे क्या है, तो कॉमन रे हो जाएगा ओ बी। तो यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, तो इन दोनों में कॉमन रे। तो यहाँ पे इसका डिटेल में लिख लेते हैं, इन यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव ओनली वन रे, तो एक रे के रूप में ओ बी को दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पे इसमें कॉमन है ओ बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।